हवा में उड़ गए श्रीराम करने वाले संजय सिंह भारी मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही। शनिवार को जेल में बंद आप नेता संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 6 दिसंबर तक ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने आज 2 दिसंबर को ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार यानी कि 2 नवंबर 2023 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की विभिन्न धाराओं के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 60 पृष्ठों की एक चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। यह इस मामले में पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी पहले ऐसी लगभग 5 अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी है। शराब घोटाला मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपित दिनेश अरोड़ा से अपने साथियों के माध्यम से 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए लिए। इतना ही नहीं, यह बात भी सामने आई है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरा मालिकों से बात की थी। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा भी सुलझाया था जो कि एक्साइज विभाग के पास था। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने के आरोप लगे हैं। अब इस आरोप पत्र पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अक्टूबर माह में ईडी ने संजय सिंह के घर छापा मारा था। इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है। वो अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन कहीं से भी उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर बार 24 नवंबर संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था जहां उनकी हिरासत को एक बार फिर बढ़ाते हुए 4 दिसंबर तक कर दिया गया था। इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ध्यान दे, अब इस मामले में सीएम केजरीवाल भी रडार पर आ चुके हैं। बीते दिनों ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया था लेकिन वो मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में व्यस्तता का हवाला देकर पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाए, जिसे लेकर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।